भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानीय बुजुर्गों, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बैठकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। भाइयों बहनों, पार्लियामेंट के अंदर मंत्री लोग बैठते हैं, मंत्रियों को पब्लिक चुन चुन करके भेजती है, जिनको सिलेक्ट करती है वही मंत्री पद पे बैठता है। परंतु सज्जनों, ये सत्संग रूपी पार्लियामेंट में वही बैठे हैं जिनको गुरु महाराज जी चुन चुन के यहाँ पर बुलाए हुए हैं। आज हम सब लोगों के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है, कृपा है। जहां हम लोग बैठने लायक नहीं थे, वहां पर हम सबको बुला करके बिठाया है। भाइयों बहनों, जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था, जीवन का अर्थ मालूम नहीं था, और गुरु महाराज जी ने हम सब लोगों को सत्संग रूपी दीपक दिखाकर जीवन का अर्थ समझा दिया, जीवन का लक्ष्य समझा दिया। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी समझई जन मुदीति मन, माजहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सत्संग के अंदर बुलाकर, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाकर हमको क्या दिया? चार फल दे दिया। चार फल तो हम सब लोग जो ज्ञानी लोग, भक्त लोग जानते हैं कि चार पदार्थों का ज्ञान हमको श्री गुरु महाराज जी ने दिया। लेकिन दूसरे अर्थ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए श्री गुरु महाराज ने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार चीजें हमको जीते जागते ही प्रदान कर दिया। भाइयों बहनों, विचार करने की है, जो मनुष्य के जीवन में सत्संग मिलता है, सत्संग क्या करता है? चाहे वह भौतिक जगत का आदमी हो, चाहे आध्यात्मिक जगत का हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, हर इंसान को सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग क्या है? ट्रेन चलती है, कभी चलते चलते क्या होता है, गाड़ी पटड़ी से उतर जाती है। ऐसे ही भाइयों बहनों, हम सबकी गाड़ी चलती है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, जीवन की गाड़ी सबकी चलती है। कभी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने से पटड़ी से नीचे उतर जाती है। हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में सुख आता है। जब सुख आता है हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, जब दुख आता है हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। अति दुख से भी, अति सुख से भी हमारी जीवन रूपी गाड़ी डगमगाने लगती है और हमारा लक्ष्य हम प्राप्त न करके भटक जाते हैं, हम बैलेंस खो बैठते हैं, हम जो है रास्ता भटक जाते हैं
अंधे हो जाते हैं और दुनिया की ठोकर खाते हैं, उस समय सत्संग रूपी के क्रेन और गुरु महाराज के आशीर्वाद हमको रास्ते पे ले आता है। सत्संग क्या करता है, मुझे एक बात याद आई। एक राजा था, उसके जीवन के अंदर जो चक्रवर्ती सम्राट था, मान प्रतिष्ठा धन वैभव सब कुछ उसके जीवन में था, लेकिन किसके जीवन में कौन सा दिन आ जाता है भाइयों बहनों पता नहीं होता। भगवान राम को सिंहासन पे बैठना था, रातों रात पलटा, समय बदल गया, इसीलिए कहा समय का पहिया चलता है, इस पहिए के आगे किसी का जोर न चलता है, समय का पहिया चलता है, जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और कोई कल का सवेरा हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है। आज आप लखपति हो, क्या पता कल आप खाकपति बन जाएंगे, कोई पता नहीं है। आज हम 10 मंजिल के मकान में बैठे हैं, हो सकता है कल हमारे जीवन में फुटपाथ लिखा है, हम फुटपाथ पे आ जाएंगे, इसका भी कोई पता नहीं है। देखो इसी तरह मैं राजा का उदाहरण दे रही थी। राजा क्या करता है, उसके जीवन का पलड़ा पलट जाता है, उसके जीवन में ऐसा संघर्ष आया, दुश्मनों ने राज छीन लिया और वो जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाना भी उसके लिए मुश्किल पड़ गया। राज चला गया, धन वैभव चला गया, निराशा से जीवन भर गया और वो क्या करता है, उसका बीपी लो हो गया, दुख झेलते झेलते, संघर्ष झेलते झेलते और निराशा से इतना भर गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। बहुत सारे प्रेमी भक्त आकर के हमें कहते हैं कि भाई जी, हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमेशा हम अच्छे कर्म करते आए, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया। अरे भाइयों बहनों, ये प्रश्न हम सबके लिए है और इसका उत्तर भी हम सब लोगों के लिए है। आप बताइए, एक बीज बोते हैं, धान लगाते हैं तो धान काटते हैं, गेहूं लगाते हैं तो गेहूं काटते हैं, आम का बीज लगाते हैं तो आम लगता है, जो फल लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं वही फल लगता है, यह अकाट सत्य है। जो लगाएंगे उसी का ही बीज आएगा, उसी का ही फल आएगा। जब ये अकाट सत्य है भाइयों बहनों, जीवन के अंदर सुख का बीज बो करके दुख का फल कैसे लग सकता है, नहीं, ये इसी जन्म का है। ना जाने कितने जन्मों से हम कर्म फल को लेकर के आते हैं। भीष्म पितामह को देखिए, एक साथ जब वो बाणों के सेज पे सो रहे थे, भगवान कृष्ण से पूछा, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, आप बताइए ये ऐसा कौन से जन्म का है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे भीष्म, हे पितामह, आप ध्यान लगाओ, 107वें जन्म में भीष्म पितामह क्या देखते हैं। राजा थे, सर्प आ रहा था, रोड पे सेना लेके जा रहे थे, सोचा इसे सर्प को मेरी सेना मार न दे, तलवार की नोक से उठा करके, म्यान की नोक से उठा करके झाड़ियों में फेंक दिया ताकि सांप चला जाए, परंतु दुर्भाग्य था उस सांप का, वह जा करके झाड़
गिरा उसका पूरा बदन कांटों से छिद गया और उसके मुंह से वो सुख सुख करके मर गया। देखिए उसके मुंह से आहा निकलती है, जिसने मेरा ये हाल किया उसका भी ऐसा ही हाल हो। 107 जन्म का कर्म फल उसके उनके सामने आया। हमारा न जाने कितने जन्मों का कर्म का फल सामने आता है। कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने किए कर्मों का फल सबके सामने आता है। देखिए वो राजा निराश हो गया, बिस्तर पे पड़ गया। डॉक्टर हकीम वैद्य सब ने इलाज करना शुरू कर दिया। सब हार गए, कहने लगे ये कभी अब जिंदा नहीं रहेगा। राजा का अब अंतिम समय आ गया है। लास्ट में एक संत आए। संत आकर के कहने लगे, हे राजन, आपने सबका इलाज किया, अब मेरी भी इलाज करके देख लो। राजा कहता, मैं कभी ठीक नहीं रहूंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता, आप ये व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। संत कहते, एक बार तो मानो। बात मान जाते हैं। संत क्या करते हैं, एक कागज के ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, ये दिन भी चला जाएगा। लिख करके दीवार पे चिपका दिया। देखिए सज्जनों, संत कहते हैं कि राजन, खाने की दवाई नहीं, पढ़ने की दवाई है। जब भी याद आई इसको पढ़ते रहो। राजा उसको पढ़ता रहा। आज मैं वक्ता बनकर के आपको सुना रही हूं, आप श्रोता बनकर के सुन रहे हो। मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो, लेकिन एक वक्ता और श्रोता हमारे अंदर है। हमारी आत्मा वक्ता है, हमारा मन जो है वो श्रोता है। निरंतर अंदर चल रहा है। जिसकी आत्मशक्ति प्रबल होती है वो सत्कर्म करता है, और जो मन का गुलाम बन जाता है वो कुकर्म के रास्ते पे चल पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, राजा उस सेंटेंस को पढ़ता है। आत्मा कहती है, राजन जीवन को बर्बाद मत कर, ये लाइफ बड़ी कीमती है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, इसको व्यर्थ मत कर, गवा मत दे। और जब तेरे सुख के दिन नहीं रहा, ये दुख का दिन भी तेरे जीवन में नहीं रहेगा। उठ खड़े हो और हिम्मत के साथ आगे बढ़। और ये पढ़ते पढ़ते राजा उठ के बैठने लगा, खड़ा होने लगा, चलने लगा, धीरे धीरे सारे काम करने लगा। और फिर पाछा पलट गया। राजा क्या करता है, फिर राज को प्राप्त कर लेता है, राज गद्दी पे बैठता है। बैठ करके उसी सेंटेंस को पढ़ता है, ये दिन भी चला जाएगा, तो किसी का बुरा मत कर, किसी का हित मत कर, इतना इतराया मत कर, इतना अहंकार की आग में झुलस मत जा, क्योंकि ये दिन भी तेरा नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा। सज्जनों, यही सत्संग है, हमको जीने की कला सिखाता है। और गुरु महाराज जी क्या करते हैं, यही सत्संग रूपी क्रेन हर युग के अंदर महान पुरुष आए, सत्संग रूपी क्रेन लेकर के, ज्ञान रूपी टॉर्च लेकर के संसार के अंदर आए, सबको दिखाया। जब अहिल्या रामायण के अंदर आता है, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी थी अहिल्या, उसके जीवन में कष्ट आया, कितना बड़ा कष्ट आया। जीवन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं था, संसार ने तिरस्कार किया। लेकिन संसार ठुकरा देता है भाइयों बहनों, संसार ठुकरा देता है, लेकिन भगवान कभी किसी को ठुकराते नहीं है। गुरु महाराज कभी नहीं ठुकराते। आप लोगों ने सुना होगा गुरु महाराज की महिमा कहां तक सुनाए। गुरु महाराज तो माता है, हम भजन में हम वंदना करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। गुरु महाराज तुम माँ हो, सबसे पहले माँ का दर्जा गुरु महाराज को दिया। क्यों दिया, माँ और पिता के अंदर कितना डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस भगवान और गुरु में है,
देखिए माता पिता में डिफरेंस है एक बच्चे के लिए, गुरु महाराज और भगवान के डिफरेंस आप देखिए शिष्य के लिए। आपने देखा होगा एक सुंदर सा बच्चा, गोल मटोल बड़ा प्यारा है, लाडला है, पिताजी ने गोद में उठाया है, गाल चूम रहा है, पेट चूम रहा है, बड़ा प्यार कर रहा है, और उसी समय अगर वो गंदा कर दे, आप बताइए क्या पिता उसको प्यार करेगा? तुरंत बुलाने लगेगा, आ जाओ, उसकी माँ को याद करेगा, आ जाओ जल्दी, इसने गंदा कर दिया, बदबू आ रही है, उठा करके अपने गोदी से नीचे उतार देगा। लेकिन माताओं, जब माँ आती है बच्चे की गंदगी साफ करने के लिए, क्या करती है? नाक में हाथ नहीं देती, बदबू आती करके नहीं बोलती, और वो क्या करती है? दौड़े दौड़े आती है, बच्चे को ले जाती है, किसी हथियार से साफ नहीं करती, किसी औजार से साफ नहीं करती, अपने हाथों से साफ करती है, और साफ करने के बाद सुंदर कपड़ा पहना देती है, क्रीम पाउडर लगा देती है, काला टिक्का लगा देती है, लगा करके जब माँ गोद में उठाती है तो पिताजी फिर पहुंच जाते, लाभ दे दे मेरे को, गोदी में उठा लेता है। सज्जनों, इसी तरीका से गुरु महाराज जी और भगवान है, भगवान ने हमको जन्म दिया, लेकिन भाइयों बहनों हमारे साथ पांच पांच चोर लगा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिया। सहजोबाई कहती है गुरु विष्णा हरि विसारूं पर गुरु न विसारूं, क्योंकि हरि ने मेरे को जन्म तो दिया लेकिन पांच चोर साथ में लगा दिया। लेकिन गुरु महाराज जी वो माँ की तरह हैं, वो क्या करते हैं, पांच चोर के मारण कारण नाम का बाण दिया, पांच चोरों को समाप्त करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने नाम रूपी बाण हम सबको दे रखा है। आप बताइए गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी महिमा है। जब अहिल्या के जीवन के अंदर कष्ट आया, दुख आया, कोई सुनने वाला नहीं था, निराश मत हो भक्तों, सुनने संसार नहीं सुनता, संसार ठुकरा देता है, भगवान किसी को ठुकराते नहीं है। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिन में वो बड़े काम आते हैं। ये हम सबकी कहानी है। जब कोई नहीं सुनता भगवान सुनते हैं। प्रेमी सज्जनों विचार करने का है, अहिल्या को कौन लोग कहते हैं जब केवट को बुलाया, आ जाओ हमको नाव में बिठा करके पार उतार दो, मांगना न के उठ आना, कहाँ हो तुम्हारी मरम में जाना। केवट कहता है प्रभु मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि अभी आप एक पत्थर को छू करके आए, आपके पैरों में जादू है, आपके चरण में जादू है, जिस पत्थर को छू ले वो शिला जो है नारी बन जाती है, एक तो संभालना मुश्किल पड़ रहा है, अगर मेरी नाव दूसरी नारी बन गई तो मैं कहां से संभालूं। भाइयों बहनों पत्थर छू लिया, क्या भगवान ने और पत्थर नहीं छुया होगा
जंगल ले न जाने जंगल के अंदर कितने पत्थर थे, लेकिन पत्थर अहिल्या पत्थर नहीं थे, अहिल्या इंसान थे, अहिल्या नारी थी। दुख झेलते झेलते, संघर्ष झेलते झेलते वो क्या है, पत्थर जैसी हो गई थी। जीना मरना उसके लिए बराबर हो गया था, लेकिन उसके जीवन में भगवान मिले। भगवान जब मिले भाइयों बहनों, क्या दिया, आशीर्वाद दिया, सत्संग सुनाया, ज्ञान दिया। और जैसे अंधा लड़खड़ाता है, उसका कुछ दिखता नहीं है, कभी दीवार से ठोकर खाता है, कभी गड्ढे में पड़ता है, लेकिन उसे एक लाठी अगर केव दे दे तो लाठी को आगे रखता है, फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है। जब अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने सेना मांग लिया होता, मुझे क्यों मांगा, मैं जब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, और मेरे को लेकर के करोगी क्या। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे को सेना की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे साथ हो जाओ और आप मेरे जीवन के सारथी बन जाओ, फिर मेरे को किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अर्जुन, जो भक्त मेरे को जीवन का सारथी बना लेता है, जैसे अंधा डंडे को आगे करके चलता है, सारे ठोकरों से बच जाता है, ऐसे जो गुरु महाराज को आगे रख करके चलता है, वो सारे दुखों से उपराम हो जाता है, सारे कष्टों से उपराम हो जाता है। डूबतों को बचा लेने वाले मेरे नैया है तेरे हवाले। गुरु महाराज जी के चरण में अपने नैया को सौंप दो। और जब वो अहिल्या ध्यान करने लगी, सुमिरन करने लगी, नाम को अपने जीवन में नाम की ज्योति जलाने लगी, तो उसको जीने की कला आ गया। तो आज ये सत्संग हमको यही सिखाता है, अपने मन के अंदर सारी कुभावना को, सारी दुर्भावना को आज हम सब लोग श्री महाराज श्री कहते हैं युग पुरुष हमारे हंस जी महाराज के, श्री हंस जी महाराज के पावन जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यही यही कहता है, रामलीला ग्राउंड के अंदर हम सब आए हैं, ये इसका नाम भी बड़ा अच्छा है। संसार तो बाहर रामलीला देखती है, लेकिन गुरु महाराज जी तो आज हमको अंदर रामलीला दिखा देते हैं। अजमेरी गेट का मतलब क्या होता है, अजर अमर गेट, अर्थात गुरु महाराज जी हमको अमर गेट का, जिस गेट को बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो भाइयों बहनों, आज श्री गुरु महाराज जी ने हमको अजर अमर गेट, अर्थात तो जिस गेट पे पहुंचने पर एक भक्त अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, वही अजमेरी गेट है। आज देखिए, मालिक ने हमको ऐसा ज्ञान दिया और ऐसे अनमोल ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को पाकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जब समय के सद्गुरु जीवन में मिल जाते हैं, समय के महापुरुष मिल जाते हैं, जब हमको ज्ञान देते हैं, जब हमको अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म का मतलब क्या है, अध्ययन प्लस आत्मा, आत्मा को हमको अपने निजी स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। कहते हैं कि जब निजी स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की ज्योति को हृदय के अंदर महान पुरुष जला देते हैं, एक भक्त के अंदर से सारी दुर्भावना खत्म हो जाती है। दुर्भावना बाहर नहीं है, दुर्भावना तो हर इंसान के मन के अंदर है। ये दुर्भावना कैसे मिटेगी, सद्भावना से मिटेगी। सद्भावना कैसे आएगी, जब हमारा कनेक्शन सत्य के साथ जुड़ेगी, तब जाकर के हमारे अंदर सद्भावना पैदा होगी। सद्गुरु नाम की हो जहां रोशनी, सद्गुरु नाम की हो जहां रोशनी, वहां रहता कभी भी अंधेरा नहीं, वहां रहता कभी भी अंधेरा नहीं।
की तू ही जहां धुन बजने लगी, तू की तू ही जहां धुन बजने लगी, वहां होता कभी तेरा मेरा नहीं, वहां होता कभी तेरा मेरा नहीं। सद्भावना ज्ञान के द्वारा जगता है। आज श्री गुरु महाराज जी भी हमारे हृदय के अंदर ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करके सारी दुर्भावना को मिटाते हुए ज्ञान रूपी झाड़ू से हमारी सारी गंदगी को साफ करके सद्भावना जगाने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर ज्ञान की ज्योति को जलाकर हम अपने अध्यात्म शक्ति को जलाकर हम आगे बढ़ें और श्री गुरु महाराज जी के चरण में अपने मन को लगाते हुए मालिक से ही प्रार्थना करें, हमारे मन को हमेशा नाम में जोड़ के रखें, हमारे मन को अपने चरण में लगा करके रखें। इसीलिए कहा, अपने हृदय को मालिक को सौंप दो, इसी में ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, सभी महान पुरुषों की।